हे दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। सो दोस्तों, पिछले 2 से 3 सालों में वन प्लस काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है मार्केट में। इन्होंने लास्ट ईयर वन प्लस नॉट 3 सी लाइट एंड ये सारे प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च किए थे पिछले ईयर। एंड जो है अभी हमारा हाल ही में 2024 में वन प्लस नॉट C4 हमारे मार्केट में लॉन्च हो गया है। एंड इसकी काफ़ी ज़्यादा हाइप हुई है मार्केट में। ये पिछले 3 से 4 हफ्तों में काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट कर लिया है। पिछले हफ्ते ये लॉन्च हुआ है एंड इसके कंपेरिजन भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट लाइक कर लेना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हियर वी हैव अ बिग बॉक्स विथ अस एंड जल्दी से हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। सो हमारा साइड में अप साइड में इस पर डॉट डॉट की जो है काफ़ी सारे ब्रांडिंग की गई है। वन प्लस की ब्रांडिंग है यहाँ हमारे साइड में, इसके स्पेक्स लिखे हुए हैं। सो हम अनबॉक्सिंग करते हैं एंड सो हियर वी हैव अ बॉक्स। ब्लैक कलर का काफ़ी बड़ा बॉक्स है एंड इसमें आई होप डॉक्यूमेंटेशन एंड वी हैव हियर कवर। अब कवर जो है सिलिकॉन का काफ़ी बढ़िया कवर दिया गया है एंड वी हैव हियर स्माइली कलर का सीम एडिटर टूल एंड क्विक यूजर गाइड क्योंकि हम पढ़ते नहीं हैं एंड स्पेशल नॉट डॉट नॉट का स्टिकर्स। सो हम ये सारी चीज़ें रखते हैं साइड में एंड लेट्स सी व्हाट अदर थिंग्स आर इन द बॉक्स। सो हियर वी हैव आवर फोन। काफ़ी लाइट वेट है, हालांकि मैं ये सोच के शौक हूँ कि 5500 mAh की बैटरी होने के बाद भी ये काफ़ी लाइट है एंड हमने इसका यूज़ कर चुका हूँ पहले भी एंड पिछले 24 आवर्स से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो ये डिटेल रिव्यू रहने वाला है। एंड हियर वी हैव अ सुपर वूक चार्जर ऑफ 100 वॉट्स 100 वॉट्स सुपर वूक चार्जर एंड अ सिमिलर रेड केबल एंड वी हैव इन द यूज़र गाइड दैट वन रेड केबल क्लब कार्ड ऑल्सो दैट विल मेक सम डिस्काउंट्स ऑन योर सिमिलर प्रोडक्ट्स हियर वी हैव। सो दिस ऑल थिंग्स आर इन द बॉक्स। तो चलिए अभी हम फोन के बारे में देखते हैं। सो गाइस, ये है हमारा फोन वन प्लस नॉट सी फोन। शुरू करते हैं तो अभी हम फिलहाल पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात कर लेते हैं। सो अभी जो है हमारा यहाँ राइट साइड में वॉल्यूम रॉकर्स, पावर बटन, हाइब्रिड सिम स्लॉट, या तो आप 2 सिम यूज़ कर सकते हो या तो आप 1 सिम और 1 मेमोरी कार्ड यूज़ कर सकते हो। हमारा जो है लेफ्ट साइड पूरा फ्लैट है, कुछ भी नहीं है। हालांकि यहाँ अलर्ट स्लाइडर दे सकते थे वन प्लस के, बट नहीं दिया। एंड अप साइड वी हैव हियर स्पीकर ग्रिल्स एंड आयर ब्लास्टर एंड नॉइज कैंसलेशन माइक्रोफोन। सो फ्रेंड्स, अभी हम बात कर लेते हैं डिस्प्ले की एंड डिस्प्ले इज टॉप नॉच। इस प्राइस सेगमेंट में मैं वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले बोलूंगा। दिस डिस्प्ले हैव 120Hz रिफ्रेश रेट विद 1100 nits की ब्राइटनेस एंड वी हैव HDR10+ सर्टिफाइड डिस्प्ले इन वन प्लस नॉट सी। सो गाइस, दिस कम्स विथ स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 एंड विथ टॉप लेवल ऑफ परफॉर्मेंस एंड 8 GB ऑफ रैम एंड 128 GB ऑफ स्टोरेज विथ 8 GB ऑफ एक्सपेंडेबल रैम। हमारा अंतु स्कोर जो है वो 8 लाख के से ऊपर जाता है एंड ज़्यादा जो है हमारा गीक बेंच स्कोर जो है वो बेस्ट आता है। एंड गेम प्ले की बात करें तो BGMI जो है वो हम 60 FPS तक की गेमिंग हम कर सकते हैं। हमने जो है BGMI इसमें टेस्ट करके जो है इसका हमने अंतु एंड FPS परफॉर्मेंस निकाला था। मल्टीटास्किंग में हम डे बाय डे जो है कुछ भी यूज़ इस पर कर सकते हैं।
फ्रेंड्स, अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो काफ़ी क्लीन यूआई के साथ हमारा ये डिस्प्ले आता है विथ 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट एज आई हैव टोल्ड एलियर। एंड जो है हम अगर इसकी जो है स्पेक्स एंड सारे अबाउट डिवाइसेस में, सो दिस कम्स विथ ऑक्सीजन ओएस 14 एंड विथ एंड्रॉयड वर्जन ऑफ 14। सो अभी हमारा लेटेस्ट अपडेट आया था, हमने ख़रीदा था उसके बाद ही, सेटअप करने के बाद ही। हम पिछले 24 हार्स इसको यूज़ कर रहे हैं। एंड अगर हम बात करें इसके तो हमारा जो है 8GB वर्चुअल एक्सपेंडेबल स्टोरेज इसमें आता है। एंड अगर हम बात करें इसके यूआई की तो काफ़ी क्लीन यूआई है, कोई भी हमें ब्लॉटवेयर ऐड नहीं मिलता। हालांकि गूगल के काफ़ी सारे ऐप्स हैं, हम उसको ब्लॉटवेयर नहीं बोलेंगे। मैं इसको अपना प्राइमरी डिवाइस लास्ट 24 आवर्स से यूज़ कर रहा हूँ एंड काफ़ी क्लीन एक्सपीरियंस मिला है। और इसका जो है हैप्टिक्स की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी एक मिनिमल सा हैप्टिक्स मिलता है हमें। हैप्टिक मोटर जो है वो हमारा काफ़ी बढ़िया है। एंड हैप्टिक्स जो है वाइब्रेशन हमें जो मिलते हैं, जो भी हमें ऐसे आप काफ़ी एक बढ़िया मिड सेगमेंट का नहीं जो है हम बोलेंगे इसको, एक बढ़िया एक्सपीरियंस, फ्लैक्सिबल लेवल का एक्सपीरियंस हम इसको बोलेंगे। कैमरा गाइस, अगर आप कैमरा के काफ़ी ज़्यादा शौकीन हो तो वन प्लस नॉट C4 जो है वो आपको काफ़ी इंप्रेस करेगा कैमरा सेगमेंट में। सो ऑल राइट, लेट्स टॉक अबाउट द कैमरा। एंड जो है हमारा इसमें प्राइमरी सेंसर जो है वो सोनी का LYT 600 है। हालांकि ये सेंसर जो है पिछले काफ़ी फोन्स में आ चुका है ऑलरेडी। एंड हमारा अल्ट्रा वाइड जो है 8 मेगापिक्सल का है। एंड हमारे फ्रंट में जो है हमें 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर लेंस मिलता है। एंड मैं वन प्लस को काफ़ी ज़्यादा थैंकफुल रहूँगा कि इसमें काफ़ी जो है मैक्रो एंड डेप्थ वगैरह सेंसर्स नहीं ऐड किए गए हैं। ये सारे ब्रांड्स को रेकमेंड करना चाहिए। आई वॉन्ट टू टेल अबाउट द कैमरा। सोनी के सेंसर्स एक अलग ही डिफरेंट लेवल के पिक्चर्स क्वालिटी जो है हमें देते हैं, काफ़ी डिटेल्स कैप्चर करते हैं। हमने कुछ पिक्चर्स क्लिक किए हैं, लो लाइट परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी बढ़िया है इसका। लो लाइट परफॉर्मेंस आप चेंज कर सकते हैं। अगर हम वीडियो की बात करें तो हमारे बैक कैमरा से, हमारे मेन सेंसर से आप 4K 30 FPS पे रिकॉर्ड कर सकते हो। एंड जो है फ्रंट सेंसर से 180p 30 FPS पे। एंड अगर आपको OIS एंड EIS दोनों का स्टेबलाइजेशन चाहिए तो मेन सेंसर से आप 180p 60 FPS पे रिकॉर्ड कर सकते हो। हालांकि कुछ इसमें कैमरे में मुझे इश्यूज़ फाइंड हुए, हमारे जो फ़ोटोज़ हैं वो पोस्ट प्रोसेस होके आते हैं, मतलब अगर आप तुरंत क्लिक करोगे तो वो तुरंत जो है नहीं प्रोसेस होता है, थोड़े 1 से 2 सेकेंड का डिले है फ़ोटोज़ को प्रोसेस होने में। ये हालांकि अपडेट्स के साथ फिक्स कर देना चाहिए, मैं विश करता हूँ वन प्लस से। एंड बस कैमरा इज़ बेस्ट इन दिस प्राइस सेगमेंट। सो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें बैटरी डिपार्टमेंट की तो मैं काफ़ी ज़्यादा शॉक हूँ कि 5500 mAh की बैटरी होने के बाद भी फ़ोन काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट एंड बैलेंस्ड है। अगर मैं इसको वन हैंड पे बैलेंस करना चाहूँ तो ये आसानी से हो जाता है। अभी आप देख सकते हो वन हैंड पे मैं बैलेंस कर रहा हूँ। हालांकि इसमें हमारे बॉक्स में चार्जर आता है 100 वॉट का, जो कि ऑलमोस्ट 18 टू 20 मिनट्स में हमारा फ़ोन फुल चार्ज कर देता है। हमने टेस्ट किया है, हमारी टीम ने टेस्ट किया है। एंड जो है इसका हम बैटरी डिटेल्स अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो, अभी मैंने सुबह इसको 100% चार्ज किया था एंड अभी जो है 84% हुआ है। सो फ्रेंड्स, एट लास्ट वन प्लस नॉट सी 4 इज गोइंग टू ड्रॉप दिस ईयर एंड काफ़ी सारे यूनिट्स के सेल होने वाले हैं। एंड दिस फोन कैन बी सेट एज द बेस्ट फोन अंडर 24,000 एंड अंडर 25,000। इसके सेल्स में जो है प्राइस अप एंड ग्रेड होते रहते हैं, सो आप जो है आप अपने हिसाब से इसको देख सकते हो। एंड कुछ बुरी चीज़ें मुझे इस फ़ोन के बारे में ये लगी कि काफ़ी ज़्यादा स्पंजेस आ जाते हैं हमारे बैग में अगर हम बिना कवर के यूज़ करते हैं। हालांकि कवर हमें काफ़ी बढ़िया क्वालिटी की बॉक्स में मिलती है, सो ये अच्छी चीज़ है। और बस ये कुछ बुराइयाँ हैं इसकी कि स्पंजेस आ जाते हैं, फिंगरप्रिंट काफ़ी ज़्यादा ये अटैच करता है हमें पीछे। सो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सही है ना सर, चालू करूँ रिकॉर्डिंग? नहीं भाई।
कम नहीं है लाइक। ये वाली कौन सी है? सर इतना प्रोफेशनल, अगर तो प्रोफेशनल अगर अगर अच्छे से ना बोले ना मर वो कर, इतना सेटअप करवा दी हो कार में सर, तुझे मनी अगर वीडियो अच्छा ना बने वो अपनी लाइफ प्लस बंद कर देना। दूसरी वाली तो उसमें कह रहा हूँ सर ग्रेड वाला वो डाल दीजिए। हमारे पिछले लास्ट 3 इयर्स के प्रोडक्ट्स जो हैं वो वन प्लस। सर ये आधार है सब पर।